नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर मिल रही है ग्वालियर से, जहां पर ग्रामीणों ने आत्मदाह का प्रयास किया है। आपको बता दें, खेत पर दबंगों के कब्जे से किसान परेशान हैं और पीड़ित ग्रामीण जो है वो मुरैना का रहने वाला है। सीएम के संबोधन के दौरान ये घटनाक्रम हुआ है। केरोसिन का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया है। माचिस से खुद को आग लगाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने ग्रामीण को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, ग्वालियर में आयोजित लोकार्पण हितलाभ वितरण कार्यक्रम हो रहा था, उसी दौरान की ये घटना है। तो ग्वालियर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने आत्मदाह का प्रयास किया है। खेत पर दबंगों के कब्जे से किसान परेशान है और जो पीड़ित ग्रामीण है वो मुरैना का रहने वाला बताया जा रहा है। ग्वालियर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण ने आत्मदाह का प्रयास किया है। खेत पर दबंगों के कब्जे से किसान है परेशान और मुरैना का पीड़ित ग्रामीण रहने वाला बताया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह आत्मदाह का प्रयास किया गया है। किसान ने आत्मदाह का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि खेत पर दबंगों के कब्जे से परेशान था, इसी को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान आत्मदाह का प्रयास किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं साधना न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमल वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किसान जो है उसने आत्मदाह का प्रयास किया है। फिलहाल किसान की तबीयत कैसी है और क्यों ये आत्मदाह का प्रयास किया गया, एक बार बताएं। बिल्कुल वर्षा जी, आज ग्वालियर में है सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा था, जिसके दौरान उन्होंने कई जगह के लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इसी के लेकर एक फूलबाग पर एक सभा भी रखी थी, जिसमें किसान काफी किसान आए हुए थे। वहीं अचानक जब सीएम साहब का जो भाषण चल रहा था, उसी दौरान एक किसान मुरैना का ग्रामीण से रहने वाला एक किसान वहां पर आया और अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की, जब तक पुलिस ने उसको पकड़ लिया और मुस्लिम माचिस को लेकर उसको अपने हिरासत में ले लिया। फिलहाल देखने वाली बात यह है, इसमें मेन बात ये हो रही है कि उस जो ग्रामीण है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मुरैना में हर जगह वो जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा किया गया है। फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर यही कहना कि उसकी जमीन को जल्द से सुधार कर अच्छे समझा देकर उसे छोड़ दिया जाएगा। कमल, क्या लगता है, इतना बड़ा प्रयास किसान की तरफ से किया गया है, तो क्या बोलते हैं, मतलब आरोपियों को पकड़ने में अभी तक पुलिस कार्रवाई कर पाई है कि नहीं? बिल्कुल वर्षा, जैसे कि आपको बता दें, जब अभी अभी की घटना है। फिलहाल पुलिस ने उसको अपने हिरासत में ले लिया है। जो किसान था वो अपने हिरासत में, पुलिस की हिरासत में है, लेकिन कहीं ना कहीं से माना जा सकता है वो त्रस्त हो गया था, मजबूर हो गया था। जब ही जाकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया, बाई चांस पुलिस वहां मौके पर नहीं होती, पहुंच नहीं होता। यदि वो जरा सी भी चांस के लिए उसके जाकर लग जाती तो उसमें आग लग जाती और उसकी वहां मौत भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस उसको अपने कब्जे में लेकर उससे पूछताछ कर रही है और आरोपी को जब से तक नहीं बात कर रही है। कमल, पुलिस की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन दिया गया है किसान को? बिल्कुल, जैसे कि किसान की जब पुलिस ने उसकी समझाइश ली है, सुनाई की है, उसके बाद ग्वालियर एसपी हैं जो कि उनको द्वारा भिंड रहने की जो एसपी उनको सूचित किया जाएगा, उसके बाद जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कह रही है पुलिस भी। बहुत शुक्रिया कमल हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ग्रामीण ने आत्मदाह का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि खेत पर दबंगों के कब्जे से परेशान था और पीड़ित ग्रामीण जो है वो मुरैना का रहने वाला है। तस्वीरें भी आप एक्सक्लूसिव साधना न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर जो किसान है वो आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद हालांकि पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे और उनकी सतर्कता से किसान की जान जो है वो बच गई है।